नमस्कार, मैं वरुण हूँ। आज गुरुवार है, रात के 10 बज चुके हैं। हाजिर हूँ मैं आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहाँ हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर सीधा असर। अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद डालिए, क्योंकि 7 दिन के बाद इनके दाम बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि वो 1 जुलाई से सभी मॉडल के दाम में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। कीमतों में ये बढ़ोतरी कच्चे माल की ऊंची कीमतों की वजह से बढ़ी प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण की जा रही है। कंपनी का कहना है कि लगातार बढ़ रही कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से कीमतों को बढ़ाना उसके लिए ज़रूरी हो गया है। कंपनी के इस कदम से महंगाई से परेशान ग्राहकों की मुश्किल और बढ़ जाएगी। होटल और हॉस्पिटल रूम के लिए करनी होगी अब आपको अपनी जेब ज़्यादा ढीली, क्योंकि GST के तहत खत्म होने वाली है इन पर मिलने वाली छूट। GST रेट की समीक्षा के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तमाम सेवाओं पर मिलने वाली छूट को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें सस्ते होटल रूम, हॉस्पिटल रूम, फाइनेंशियल सेक्टर और फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स की सर्विस सहित कई तरह की सेवाएँ शामिल हैं। GST काउंसिल की बैठक 28 और 29 जून को होने वाली है, जिसमें इन प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। किसानों के लिए फसल का बीमा कराना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर मिलने वाली छूट को भी खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। 1,000 रुपये से कम वाले होटल रूम पर 12% की दर से GST लगाने का प्रस्ताव है। इस कदम से होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट GST के दायरे में आ जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5,000 रुपये और इससे ज़्यादा किराए वाले हॉस्पिटल रूम पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% GST लगाने का प्रस्ताव रखा है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को FSSAI से मिलने वाली सेवाओं पर भी टैक्स छूट खत्म करने का प्रावधान है। ऐसे में आपके बाहर खाने पीने के बिल में भी इजाफा हो सकता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, वाहनों पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। उसने 1 अक्टूबर से दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। ये प्रतिबंध 28 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा। ऐसा पहली बार होगा जब दिल्ली में इतने लंबे समय के लिए इन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। इससे पहले हर साल नवंबर या दिसंबर में केवल 15 से 20 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर दिन करीब 7 से 8 लाख ट्रक आते हैं। शहर में केवल CNG से चलने वाले कमर्शियल वाहनों, ई ट्रक, सब्जी, फल, अनाज, अंडे, बर्फ, दूध और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर आने वाले ट्रकों को आने की ही अनुमति होगी। ट्रक और कमर्शियल व्हीकल एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। बेहतर कृषि उत्पादन से मिलेगी मजबूती। वैश्विक चुनौतियों के बीच बेहतर कृषि उत्पादन के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने से चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.8% के बीच रह सकती है। B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुलपति NR भानुमूर्ति का कहना है कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक कारणों से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था के सामने जोखिम पैदा हुआ है। हालांकि घरेलू स्तर पर वृहत आर्थिक बुनियाद मजबूत है। भानुमूर्ति ने कहा कि बेहतर कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ भारत को चालू वित्त वर्ष में वैश्विक बाधाओं के बावजूद 7% की वृद्धि दर हासिल हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष में 8.7% की दर से बढ़ी थी। अब बैंक ग्राहकों को चेक पेमेंट से एक दिन पहले देनी होगी जानकारी। आइए जानते हैं किस बैंक ने अपने नियम बदले हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बैंक ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब चेक से पेमेंट करने के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है। नए नियमों के मुताबिक जानकारी न देने पर चेक वापस किया जा सकता है। अगर कोई ग्राहक बैंक ब्रांच या फिर डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपये या इससे ज़्यादा का चेक जारी करता है तो उनके लिए PPS कन्फर्मेशन ज़रूरी होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट और जिसके नाम से चेक जारी किया गया है उसका नाम पहले बैंक को बताना होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी ये जानकारियां देनी होंगी। ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए भी दी जा सकती है। साल भर छुट्टी के साथ मिलती रहेगी पूरी सैलरी। आइए जानते हैं किस कंपनी ने किया है नई लीव पॉलिसी का ऐलान।
फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो एक नई अनलिमिटेड लीव पॉलिसी लेकर आई है। इससे कर्मचारी अब 365 दिनों तक की पेड लीव ले सकेंगे, यानी इन छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों को वेतन मिलता रहेगा। हालांकि ये लीव चुनिंदा परिस्थितियों पर ही लागू होगी। मीशो मी केयर प्रोग्राम के तहत कर्मचारियों को उनके किसी नज़दीकी परिवार के सदस्य के गंभीर बीमार होने की स्थिति में एक साल 365 दिन तक की छुट्टी मिलेगी। पॉलिसी ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो अपनी किसी रुचि या लक्ष्य के लिए थोड़ा समय चाहते हैं। मीशो की नई लीव पॉलिसी के तहत अगर कर्मचारी खुद बीमार होता है तो उसे साल भर की छुट्टी के दौरान पूरी सैलरी मिलेगी। वहीं अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो 3 महीने के लिए 25% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। मीशो में इस वक्त करीब 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर 30 जून तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो ₹1000 का जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बेहद ज़रूरी खबर है। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, जिसे पेनल्टी के साथ 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। यानी मौजूदा समय में अगर आप पैन आधार लिंक करते हैं तो ₹500 का जुर्माना देना होगा। 30 जून के बाद लिंक करने पर दोगुना जुर्माना भरना होगा। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। मई में 5 गुना बढ़ गया है घरेलू हवाई यात्री यातायात। एयरलाइंस को इससे क्या लाभ होगा, आइए एक बार जान लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके ATF से परेशान एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक राहत भरी खबर है। घरेलू हवाई यात्री यातायात में भारी सुधार देखने को मिला है। मई में भारतीय विमानन कंपनियों ने स्थानीय मार्गों पर 1,20,00,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। ये आंकड़ा सालाना आधार पर 5 गुना ज़्यादा है। DGCA के अनुसार मई 2021 में घरेलू हवाई यात्री यातायात केवल 21,00,000 था। आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 में सबसे ज़्यादा 57.9% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ लगभग 70,00,000 यात्रियों को इंडिगो ने अपनी मंजिल तक पहुंचाया। इसके बाद 12.76 लाख यात्रियों के साथ गो फर्स्ट का स्थान रहा। एयर इंडिया और विस्तारा ने पिछले महीने क्रमशः 8.23 लाख और 9.83 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। स्पाइस जेट ने 89.1% का उच्चतम लोड फैक्टर दर्ज किया। लोड फैक्टर से ये पता चलता है कि किसी एयरलाइन ने यात्री परिवहन क्षमता का कितना उपयोग किया। पी नोट के जरिए मई में निवेश घटा, आगे खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुसार घरेलू बाजारों में पी नोट के जरिए निवेश का मूल्य मई 2022 के अंत में 86,706 करोड़ रुपये रहा, जो अप्रैल में 90,580 करोड़ रुपये था। ग्रीन पोर्टफोलियो के संस्थापक दिवाम शर्मा का कहना है कि शेयर बाजार वर्तमान समय में मूल्य के हिसाब से आकर्षक हो गया है। आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति आने वाले महीनों में कम होगी। ऐसे में हमारा मानना है कि आने वाली 1-2 तिमाही में विदेशी निवेशक घरेलू बाजारों में वापस खरीदारी करेंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के कारण विदेशी निवेशकों की धारणा लगातार प्रभावित हुई है। ये लगातार 8वां महीना है जब FPI ने भारतीय बाजारों से शुद्ध रूप से निकासी की है। बजाज ऑटो ने पल्सर का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत कितनी है, खासियत क्या है, चलिए एक बार नज़र डालते हैं। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने घरेलू बाजार में अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल पल्सर का नया मॉडल N160 लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत ₹1,28,000 है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पल्सर N160 को पल्सर 250 की तर्ज पर ही बनाया गया है, 250 की तर्ज पर ही बनाया गया है, जिसे पिछले साल अक्टूबर में पेश किया गया था। कंपनी के अनुसार ये मोटरसाइकिल 2 चैनल वाले ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है। इसमें 165cc का इंजन दिया गया है जो 16 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं हमारी और आपकी जेब पर असर, जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी टाइम और देखते रहिए मनी 9। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।